नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभाव। राजखेड़ा पंचायत समिति प्रांगण में लाखों रुपए की लागत से बना सुलभ शौचालय नहीं आ रहा किसी के काम। अपनी सफाई की चाहता है बाढ़। राजखेड़ा पंचायत समिति प्रांगण में अटल सेवा केंद्र के पास पंचायत समिति के द्वारा सुलभ शौचालय लाखों रुपए की लागत से करीबन 2 साल पूर्व बनकर तैयार किया गया था, जो शौचालय आज तक ना तो पंचायत समिति के किसी कर्मचारी के उपयोग में आया है और ना ही पंचायत समिति के अंदर आने वाले किसी अन्य व्यक्ति के। जो शौचालय बना हुआ है उसके अंदर इतना गंदगी का आलम है, यदि कोई अधिकारी उसका निरीक्षण करे तो शौचालय अंदर जाने की बात तो छोड़ो, लेकिन शौचालय के खुले बरामदे में खड़ा होना भी मुश्किल है। शौचालय के ऊपर रखी टंकी में पानी का कोई इंतजाम नहीं है। शौचालय में बाथरूम के अंदर भी सफाई नाम की कोई चीज नहीं है। लाखों रुपए के बर्बादी के बाद भी शौचालय तो बनवाए गए, लेकिन उनके रख रखाव सफाई व्यवस्था हेतु पंचायत समिति पर कोई सफाई कर्मचारी या स्वीपर नहीं लगवाया, जिससे उसकी साफ सफाई होती रहे। दिखावे के लिए बनाए गए कमीशन के चक्कर में शौचालय अब अपनी सफाई की बाट जोता नजर आ रहा है। अब आगे देखना है कि क्या पंचायत समिति राजाखेड़ा के अधिकारी लाखों रुपए के बनाए गए सुलभ शौचालय की सफाई व्यवस्था या देखरेख का बंदोबस्त करवा पाएंगे या फिर ऐसे ही गंदगी में पड़े रहेंगे। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह मुदेनिया की रिपोर्ट। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैसिलिटीज, जिसमें विद्यालय कैंपस में कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम हमारे यहाँ, साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरे और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन, जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपो रोड, धौलपुर, प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार, मोबाइल नंबर 94-14-58-37-70, निर्देशक इंद्र सिंह पवार, मोबाइल नंबर 80-05-88-89-39। कक्षा 10वीं 12वीं में प्रतिवर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का सबसे पुराना एकमात्र विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय इंदिरा कॉलोनी आउटडोर के पीछे धौलपुर, स्वर्गीय श्रीमती कांता मल्होत्रा द्वारा 1977 में स्थापित। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक संकाय विज्ञान कला एवं वाणिज्य नॉट शिक्षित एवं अनुभवी योग्य शिक्षकों द्वारा अध्यापन कार्य, छोटे बच्चों को खेल खेल में शिक्षा की व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाने की उचित व्यवस्था, छात्र छात्राओं के लिए नई शिक्षण तकनीकी द्वारा शिक्षण कार्य, खेल कूद हेतु मैदान, स्वच्छ वातावरण, शुद्ध पेयजल एवं विद्युत की व्यवस्था, न्यूनतम शुल्क में अच्छी शिक्षा प्रदान करने वाली जिले की एकमात्र संस्था, अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य और सर्वांगीण विकास हेतु आज ही प्रवेश के लिए संपर्क करें। निदेशक अशोक मल्होत्रा, मोबाइल नंबर 9460956307, प्रधानाचार्य विवेक शर्मा, मोबाइल नंबर 9461025746। पार्वती नदी में मछली पकड़ने गए युवक की डूबने से हुई मौत। धौलपुर में पार्वती नदी में मछली पकड़ने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। घटना से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना पाकर सखवारा चौकी इंचार्ज सत्यप्रकाश शर्मा मौके पर पहुंच गए। जिला मुख्यालय से SDRF की टीम को बुलाया गया। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद SDRF ने डेड बॉडी को रेस्क्यू कर लिया है। घटना धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के सखवारा गांव की है। चौकी इंचार्ज सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि रविवार शाम के वक्त जमालपुर गांव निवासी कुमार सेन कुशवाहा पुत्र महिलाल कुशवाहा सखवारा गांव के पास पार्वती नदी में मछलियां पकड़ने गया था। बरसात होने की वजह से नदी में पानी का तेज बहाव था। नदी के किनारे खड़ा होकर युवक ने मछलियों को पकड़ने के लिए कांटा फेंक दिया। कांटा फेंकने के साथ ही युवक का संतुलन बिगड़ गया और पैर फिसलने से वह नदी में गिर गया। गहरे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना को देख आसपास खेतों में काम कर रहे लोग मौके पर पहुंचे और सखवारा चौकी इंचार्ज को घटना की सूचना दी। चौकी इंचार्ज ने बताया कि जिला मुख्यालय से SDRF की टीम को सूचित कर मौके पर बुलाया गया। SDRF की टीम ने करीब 3 घंटे की मेहनत के बाद
डेड बॉडी को रेस्क्यू कर लिया है, जिसे वसीनाबाद सरकारी अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया है। सोमवार को परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों में शोक छाया है। पार्वती नदी में मछली पकड़ने गए युवक कुमार सेन की डूबने से मौत होने पर गांव जमालपुर में शोक छा गया। गांव मातम में पसर गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय चीनू पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जाकी सैपव धौलपुर। हमारे विद्यालय के कक्षा 12वीं के विद्यार्थी जिसमें रोहित चौहान ने 93%, लकी 91, अंजलि 89, सोनू 89, देवांश 87, अजय सिंह 86, विवेक 85, संध्या 85, यस 85, अंजना 84, कृष्णदेव उपाध्याय 84, अमन शर्मा 84, कक्षा 10वीं के विद्यार्थी मनिष्का 93, कल्पना 92, विवेक कुमार 89, पुष्पेंद्र चौहान ने 85% अंक प्राप्त किए। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, इतिहास, संस्कृत, मैथ और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं चलाई जाती हैं। एडमिशन ओपन, जल्दी करें। हमारा पता है जाकी सापू रोड धौलपुर, प्रधानाचार्य गजेंद्र शर्मा, मोबाइल नंबर 9983673307, निदेशक हरिओम उपाध्याय, मोबाइल नंबर 8440917707। कक्षा 10वीं 12वीं में अद्भुत परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय गिरिराज विद्या उच्च माध्यमिक विद्यालय पुराने बिजली घर के सामने धामतीपुरा धौलपुर। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की नई पहल, कक्षा 10वीं के 90% से अधिक किसी भी सरकारी व निजी स्कूल के छात्र छात्राओं को 11वीं 12वीं की शिक्षा निःशुल्क एवं 11,000 रुपए की दोनों वर्ष की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हमारे विद्यालय की कक्षा 12वीं के होनहार विद्यार्थी अलका कुमारी 93%, मोनू कुमार मीणा 92%, महरीन फातिमा 91%, ओकेश 90%, कक्षा 10वीं में कृष्णकांत 93%, नकुल मीणा 91%, नमन सिंगल ने 90% अंक प्राप्त किए। हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए सीसीटीवी कैमरा, कंप्यूटर लैब और वाटर जनरेटर और इन्वर्टर और बस की सुविधा उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाए, निदेशक रूपेंद्र सिंह फौजदार, मोबाइल नंबर 9560879440, दूसरा 9549831768। विद्यार्थियों के टीका लगाकर मनाया प्रवेश उत्सव। आज आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों का स्वागत तिलक लगाकर किया गया, जिससे बच्चे काफी हर्षित हुए और बच्चों ने भी बड़े उत्साह के साथ विद्यालय में प्रवेश किया। इस दौरान विद्यालय के संस्था प्रधान ने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन किया और बच्चों ने भी शिक्षा के प्रति अपना रुझान दिखाया। सभी शिक्षकगणों ने बच्चों को पढ़ाई के प्रति प्रेरित किया, जिसमें संतोष शर्मा, सीमा शर्मा, भारती यादव, मंगल सिंह, मोहसिन, बबीता सिंह, गीता आदि उपस्थित रहे। अंत में संस्था निदेशक इंद्र सिंह परमार ने सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। आपकी शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट को समझने और उनको दूर करने को शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलम्ब न करें, आज ही अपने बच्चों को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर, प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी, मोबाइल नंबर 9928623387 और 9414028068 और 8058100462। लगातार 7 वर्षों से 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र स्कूल संस्कार पब्लिक स्कूल
दारा सिंह नगर, दारा पैलेस के पास, धौलपुर। अंग्रेजी माध्यम का एकमात्र स्कूल जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है। इस विद्यालय में संगीत, स्पोर्ट्स एवं अन्य खेलों की सुविधा एकदम निःशुल्क है। आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाएं। हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए CCTV कैमरा, RO वाटर और पर्याप्त हवादार कक्षा कक्ष उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से UKG तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। संगीत और डांस क्लास एकदम निःशुल्क है। अपने बच्चों को शीघ्र प्रवेश दिलाए। निदेशक जितेंद्र कुमार शर्मा, मोबाइल नंबर 9413-8168-81 और 9464-01-2411। करंट की चपेट में आने से युवक की हुई मौत। मनिया थाना क्षेत्र के पीलुआ शाहपुरा गांव में सुबह करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। युवक खेत पर काम करने के लिए जा रहा था, जो रास्ते में टूटे पड़े बिजली के तार की चपेट में आ गया। हादसे के बाद स्थानीय लोग युवक को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। युवक को लेकर अस्पताल पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि सुबह के पहर युवक कमल सिंह, उम्र 32 साल, पुत्र ओम प्रकाश, खेत पर काम करने के लिए जा रहा था। इसी दौरान युवक अचानक चलते चलते नीचे गिर गया। खेतों पर मौजूद लोग युवक के नीचे गिरते ही उसके पास पहुंचे तो पता चला कि युवक खेतों में पड़े बिजली के तार की करंट की चपेट में आ गया था, जिसके बाद स्थानीय लोग युवक को लेकर अस्पताल पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने युवक के परिजनों को भी हादसे की सूचना दी थी। जिला अस्पताल में करंट की चपेट में आने से अचेत हुए युवक को इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। युवक को मृत घोषित करते हुए उसके शव को अस्पताल प्रबंधन ने जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। घटना को लेकर अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी है, जिसके आने के बाद मृतक का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। धौलपुर शहर का एकमात्र संस्थान CMA, जहां पर एक ही छत के नीचे 9, 10, 11, 12 के साइंस विषय की सारी कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। 9th व 10th के साइंस, मैथ्स, SST, इंग्लिश, हिंदी और 11th 12th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी की क्लासेस चलाई जाती है। CMA का रिजल्ट गत 9 वर्षों से शत प्रतिशत रहा। 22 वर्ष में कक्षा 10वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम में 40 से अधिक बच्चों ने 90% से ज्यादा अंक प्राप्त किए व कक्षा 12वीं के 45 से अधिक छात्रों ने 90% से ज्यादा अंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया। हमारा पता है SR कॉलोनी, राणा मैरिज गार्डन के पीछे, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8769516329। हेलो एवरीवन, आई एम शोभित पांडे फ्रॉम करियर मेकर एकेडमी, SCMA धौलपुर, जो कि क्लास 9 से लेकर 12 तक के इंग्लिश मीडियम कोचिंग प्रोवाइड करता है। क्लास 9th और 10th के लिए हम लोग साइंस, मैथ, एसएसटी, इंग्लिश के साथ हिंदी प्रोवाइड करते हैं विद ऑल स्टडी मटेरियल एंड प्रैक्टिकल। क्लास 11th और 12th के लिए हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी की क्लास प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश फ्री रहता है सभी बच्चों के लिए। साथ में हम लोग सभी प्रैक्टिकल्स करवाते हैं, साथ में सेमिनार और रोबोटिक्स की वर्कशॉप रहती हैं, और पूरा स्टडी मटेरियल सब बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। क्लास 9th के और 10th के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। नए बैचेस 24th ऑफ जून से स्टार्ट हो रहे हैं। क्लास 11th का नया बैच स्टार्ट हो रहा है 20 जून से। तो आइए मिलकर शुरुआत करते हैं और एक बेहतर रिजल्ट की ओर चलते हैं। जैसा कि आप सबने देखा होगा, क्लास 12th का अपना कोचिंग का जो रिजल्ट है, उसमें लगभग 45 बच्चे जो है 90 अबव आए हैं, और क्लास 10th में लगभग 50 बच्चे 90 अबव आए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और उसी रिजल्ट को अपन कंटिन्यू करते हैं। ज्वाइन CMA, थैंक यू। धौलपुर का सबसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान AVM कॉन्वेंट स्कूल और किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम, लाइब्रेरी और सुसज्जित लैब। अनुशासित वातावरण और स्काउट, NSS और NCC की सुविधा। AVM कॉन्वेंट स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि बच्चों में संस्कार गढ़ता है। संस्कारवान, प्रगतिशील, इनोवेटिव बच्चों के साथ उनमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता पैदा करता है। विद बेस्ट फैकल्टीज, CBSE एफिलिएटेड स्कूल AVM कॉन्वेंट स्कूल एंड किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, फुली AC विद स्मार्ट क्लास, घंटाघर रोड, धौलपुर। एडमिशन ओपन। श्रीमद् भागवत कथा के समापन पर भंडारे का हुआ आयोजन।
आज दिनांक 1 जुलाई 2024 सोमवार को ग्राम फैसारा में श्रीमद भागवत कथा के समापन पर कथा परीक्षक नत्थीलाल लोधी, पुष्पा लोधी और ग्रामवासियों के सहयोग से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें केवल भैसेना गांव के लोगों ने ही नहीं बल्कि धौलपुर के लोगों ने भी भंडारी की प्रसादी ग्रहण की। कथा परीक्षित अशोक दत्त सेंधिया ने बताया कि गांव एवं जिले में कथा भागवत और भंडारे समय समय पर होते रहने चाहिए। कथा भंडारे करने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। भागवत भंडारा दोपहर 12 बजे से रात के 8 बजे तक जारी रहा, जिसमें खीर पुआ सब्जी रायता भागवत प्रेमी और गांववासियों ने प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। इस मौके पर भागवत आचार्य अशोक दत्त सेंधिया, अरुण लवानिया, जगदीश मैट भैसेना, दिनेश चंद्र मरैया, नरेंद्र शर्मा, वीरेंद्र शर्मा, जगदीश शर्मा, राजू शर्मा, संजय शर्मा, राकेश शर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में भागवत प्रेमी और गांववासी मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। रूपसपुर गांव में कुएं में गिरने से एक युवक की हुई मौत। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र के रूपसपुर गांव में कुएं में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। युवक कुएं पर पानी भरने गया था, जहां पैर फिसलने की वजह से वह गहरे कुएं में जा गिरा। हादसे के बाद ग्रामीण युवक को बाहर निकालकर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक युवक राजेंद्र पुत्र मोहन सिंह के शव को अस्पताल लेकर पहुंचे उसके जीजा रवि ने बताया कि दोपहर के वक्त युवक राजेंद्र घर के लिए पानी कुएं से लेने गया था। कुएं में पानी खींचते वक्त उसका पैर फिसल गया और वह 25 फीट नीचे गहरे कुएं में जा गिरा। हादसे के बाद मौके पर मौजूद स्थानीय ग्रामीणों ने शोर मचा दिया। ग्रामीणों ने रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए युवक को कुएं से बाहर निकाला और उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित करते हुए शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। अस्पताल में तैनात ड्यूटी डॉक्टर मुनिंद्र गर्ग ने बताया कि प्रथम दृष्टया युवक के पानी में गिरने से मौत होने की जानकारी सामने आई है, जिसके शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाते हुए पुलिस को सूचना दे दी गई है। पीएम श्री शेरपुर स्कूल के शिक्षकों ने विद्यार्थियों का किया गर्मजोशी से स्वागत। गर्मियों की 45 दिन की छुट्टियों के बाद खुले स्कूल, लौटी रौनक। गर्मियों की 45 दिन की छुट्टियों के बाद सोमवार को स्कूल खुलने पर ट्रेन वाले स्कूल के नाम से चर्चित पीएम श्री राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल शेरपुर में संस्था प्रधान राजेश शर्मा की अगुवाई में पहले दिन विद्यार्थियों के परंपरागत ढंग से स्वागत के साथ स्कूल में शिक्षक कार्य की शुरुआत की गई। छुट्टियों के बाद शिक्षकों ने पूरे स्कूल परिसर को रंगोली, गुब्बारों व पतंगों के साथ आकर्षक ढंग से सजाया। छात्रों में भी पहले दिन काफी उत्साह नजर आया। स्कूल के मुख्य द्वार पर प्रधान अध्यापक राजेश शर्मा, शारीरिक शिक्षिका रागिनी त्रिवेदी, अध्यापक सुरेश चंद्र, अमित कुमार शर्मा, शैलेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह, हरिशंकर शर्मा, राम शंकर व विरकूलाल ने छात्रों का तिलक लगाकर माल्यार्पण कर व आरती उतारकर स्वागत किया। इस दौरान शिक्षकों ने छात्रों को चॉकलेट देकर मुंह मीठा कराया और क्लास रूमों में ताली बजाकर प्रवेश कराकर गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान स्कूल प्रबंधन की ओर से जरूरत के हिसाब से हर एक छात्र को कॉफी, पेंसिल, पहाड़े आदि शिक्षण सामग्री प्रदान की गई। छात्रों के लिए विशेष भोजन की भी व्यवस्था की गई। प्रधान अध्यापक राजेश शर्मा ने कहा कि आमजन में सरकारी स्कूलों के प्रति नजरिए में बदलाव में आए और शिक्षकों की छवि समाज में निखरे, इसी मुहिम को लेकर कॉन्वेंट स्कूल की तरह ही शेरपुर स्कूल का संचालन कर बेहतरीन पढ़ाई के साथ छात्रों की मूलभूत जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बालकों को आकर्षक कैंपस तथा शैक्षिक माहौल प्रदान किया जा रहा है। SBI बैंक राजखेड़ा में कर्मचारियों का अभाव, जनता परेशान, नहीं हो पा रही KYC। राजखेड़ा के अंदर SBI बैंक के कर्मचारी न होने का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। SBI बैंक राजखेड़ा में सिर्फ 2 कर्मचारी हैं, एक मैनेजर, एक कैशियर और एक फोर्थ क्लास। एक गार्ड के अलावा कोई कर्मचारी बैंक में न होने के कारण जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। KYC चढ़ने के लिए कोई बाबू नहीं है जो रिकॉर्ड में इंद्राज कर सके, तथा खिड़की पर भी कैशियर के पास पैसे निकालने वालों की भीड़ बनी रहती है। लेकिन बैंक के अंदर उपभोक्ताओं को एक 30 मिनट के कार्य के लिए 3 घंटे तक बैठना पड़ता है, फिर भी उसका नंबर आए ना आए। बैंक के ऐसे व्यवहार के कारण जनता में काफी रोष व्याप्त है। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह मोदेनिया की रिपोर्ट।
धौलपुर विप्र सेना प्रमुख सुनील तिवारी व राष्ट्रीय संगठन मंत्री महेश शर्मा के निर्देश में विप्र सेना जिला अध्यक्ष धौलपुर अजयकांत शर्मा कैथरी सरपंच ने जिला कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें सचिन शर्मा को संगठन महामंत्री का पद, सुनील जगरिया जिला संयोजक, मीडिया प्रभारी राहुल शुक्ला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रिंकू रावत, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिओम पचौरी, उपाध्यक्ष रमाकांत शर्मा, सरपंच सुनील दुबे, उपाध्यक्ष प्रमोद पचौरी, उपाध्यक्ष नितिन शर्मा, संगठन मंत्री देवेश सरमत्रा, मंत्री दिव्यांशु, मंत्री प्रचार महेश सहेड़ी, उमेश भटेले, कार्य मंत्री सुदेश शर्मा, आईटी सलाहकार और कार्यकारिणी सदस्य जतिन शर्मा, राजकुमार शास्त्री, रविंद्र शर्मा, मनोज रावत, श्याम बाबू, योगेश शर्मा, बंटू शर्मा, विकास शर्मा, वकील शुक्ला, रवि शर्मा आदि जिले के पदाधिकारी को नियुक्त किया गया। सभी पदाधिकारियों ने अपने कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से समाज के प्रति कार्य करने, समाज के साथ ईमानदारी से कार्य करने हेतु जिम्मेदारी ग्रहण की और अपनी जिम्मेदारी के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे, ऐसा कहा। धौलपुर जिलाध्यक्ष बहरे अजयकांत शर्मा ने सभी पदाधिकारियों को बधाई दी।